करनी प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की यमुने महारानी की महाप्रभु बल्लभाधीश की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। भगवती जगदम्बा आद्य शक्ति वैष्णव देवी की असीम अनुकंपा से अपने सतत परमात्मा का गुणानुवाद गाने और सुनने के लिए यहां एकत्रित हुए। शास्त्रों में लिखा है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के हमारे और आपके दोनों के साथ में आनंद कहां है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कृष्ण का प्रथम भागवत का प्रथम श्लोक आनंद कहाँ है? सच्चित और आनंद भगवती वैष्णो देवी के, भगवान बाल कृष्ण के, बांके बिहारी लाल के, भागवत जी के चरणों में आनंद है। भागवत यज्ञ 7 दिन का, 8वें दिन तो यज्ञ भोजन भंडारा। 7 दिन की यात्रा में 2 वस्तुएं आप ध्यान रखोगे, एक श्रद्धा और विश्वास।
श्रद्धा रूपी टिकट और विश्वास रूपी स्टेशन का नाम। तो देखना इस 7 दिन की यात्रा आपको बड़ी मंगलमय रहेगी। नहीं तो शास्त्रों में इतनी शंकाएं ओहो, अभी अपने कथा में सुने हैं कि रावण के 10 सिर, सब लोग सुने कि नहीं, 10 सिर, पर कभी आपने विचार किया वो 10 सिर थे कहां? आगे थे कि पीछे थे, कि इस तरफ थे कि इस तरफ थे? कोई पेंटर कोई चित्रकार ने बनाया कि 5 इधर और 5 इधर की जो धुंधकारी था इतना दुष्ट था कि सब हस्ते न भोजनम, मुर्दा के हाथ का भोजन करता था धुंधकारी। अभी भागवत में कथा आएगी, अभी मन में शंका होगी मुर्दा कैसे भोजन करेगा। सब हस्तेन, मुर्दा के हाथ का भोजन करता था। अभी मुर्दा भोजन बनाए, मुर्दा भोजन परोसे, और जो भोजन परोसे उसको मुर्दा, भागवत का मुर्दा कौन? जो सुंदर शरीर है भगवान के काम में ना जाए वो भागवत का मुर्दा, समझ लेना, कोई हाथ ऊपर नहीं करना। इतने सुंदर भगवान ने कान दिए हैं, भगवान की कथा ना सुने, भागवत की कथा ना श्रवण करे तो समझ लेना भागवत का मुर्दा। तो दो दो पैर है तीर्थ यात्रा में ना जाए तो समझ लेना भागवत का मुर्दा। दो दो हाथ हैं माता पिता की सेवा ना करे, वृद्धों की सेवा ना करे तो समझ लेना भागवत का मुर्दा है। चलता फिरता 6 फुट 7 फुट पर समझ लेना ये भागवत का मुर्दा है। तो 7 दिन की यात्रा में 2 वस्तु, श्रद्धा और विश्वास, आप ध्यान रखना, क्योंकि 18,000 श्लोकों में ये जो भागवत ग्रंथ है ये परमहंस संहिता है। परमहंस माने संतों की संहिता, ये गृहस्थों का बस की बात नहीं है। और 8 दिन आप सबको संत बनना है, 23 तारीख के बाद जो उसको जो बनना हो बनना, पर 7-8 दिन के लिए स्नेहानंद जी ने बड़ा आग्रह किया है कि आपको 8 दिन संत बनना है महात्मा। तो ज्यादा समय नहीं लें, सबको इच्छा है कि भागवत में चलें, अपने अपने को 7 दिन चर्चा करना है। और मैं भागवत कथा सुनाने नहीं आया हूं, आपको बतला दूं मैं, क्योंकि आप सब ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, अपने तो मात्र भगवान की चर्चा करेंगे, थोड़ा आप सुनाएंगे, थोड़ा हम सुनाएंगे। और एक ज्ञान सत्र है, सत्रम स्वर्गाय ते लोका, वैष्णव महिला मंडल का कितना सुंदर प्रयास, कितने सुंदर सब लोग यात्रा में जाते हैं, टूर में जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, उन्होंने यहां वृंदावन धाम बना दिया कि 7 दिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पंडाल में आओ और परमात्मा की भी प्राप्ति हो और अपने जीवन का भी उद्धार हो। कौन कर सके ये मात्र शक्ति वैष्णव महिला मंडल की माताएं बहनों का, कितना सुंदर। तो 7 दिन अपने भगवान की चर्चा करेंगे, यात्रा पे निकलेंगे तो थोड़ा भगवान पे। भागवत जी का 2रा श्लोक, यम प्रव्रजंत मनुपे तम उपहते कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरयाजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दो स्तम सर्वभूत मानोस्मी। उन्होंने सुखदेव जी को प्रणाम किया है और 3रे श्लोक में कथा प्रारंभ कर दिया। सबको इच्छा होगी जल्दी से जल्दी कथा आए। 2 श्लोक में वंदना, सुखदेव जी को वंदना, भगवान कृष्ण को प्रणाम, और 3रे श्लोक में तत्काल कथा। नैमिषे, कहां कथा प्रारंभ हुई? नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां कथा होती है नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य की विशेषता क्या है?
कि जितने में कथा मंडप है यहाँ पे काल की घड़ी नहीं चलती। जो अपना चक्र है ना समय का, आप वहां अंदर प्रवेश करो बराबर चक्र वहीं का वहीं रुक जाता है, जो काल का अपने समय का है। या दूसरे अर्थों में कहें, आप यहाँ 4 घंटा भगवान की कथा श्रवण करोगे तो 4 घंटा हमारी और आपकी आयुष दोनों की बढ़ने वाली है।